फ्रिज में धनिया देखा था क्या? अच्छी आपने कभी ऐसी चीज खाई है? हेलो हेलो हेलो, राम राम सा। एक और नया दिन, एक और नई शाम, और मौसम एकदम जो गर्मी हो रही थी ना भाई, सब आग बरस रही थी, उसके बाद अब एकदम से ऐसा मतलब बदलाव आया है ना मौसम में कि अभी तक तो बरस रही थी आग। कोल्ड स्टार्ट कर दूं इसे गाड़ी को, और अब हो रहे हैं बादल, और बादल भी मतलब आंधी बारिश वैसा वाला मौसम होने आ गया है। गाड़ी की आवाज़ को इग्नोर कर दो, और इस आंधी के मौसम में अपन निकल गए फिर से कुछ बढ़िया एक्सप्लोर करने। हाँ भाई साहब, थोड़ी बहुत हवा तो आई इसी की, क्योंकि बाहर तो ठंडक हो रही थी और गाड़ी में घुसते ही गर्मी लगाई, क्योंकि अंदर सफोकेशन हो गई थी। प्रभु शंभू, अब मैंने आपको बताया था ना कि गाड़ी कितनी देर में कोल्ड स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी की आवाज़ स्टार्ट करते ही ना थोड़ी सी अजीब दिखेगी, फिर जैसे ही जैसे आधे मिनट पौने मिनट एक मिनट बाद वो आवाज़ नॉर्मल होती जाए, गाड़ी हो गई आपकी कोल्ड स्टार्ट, फिर आप उसको चलाना शुरू करो। अभी तक वैसी आ रही है, मतलब अजीब। अब धीरे धीरे नहीं जा रही यार। हाँ गई, इस पॉइंट के बाद एकदम से गई, और फिर आप देखोगे आपकी गाड़ी के आरपीएम में भी ना गिरावट आएगी। आरपीएम तो जानते होगे मेरे व्यूअर हो तो यार। अब इसको थोड़ा सा बैक ले लें, गाड़ी बिल्कुल ऐसी साफ छोड़ी, और आंधी के बाद देखो इसकी हालत देखो। अभी तो थोड़ी बहुत ही आई है, और शीशे पे तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जाने कब से कपड़ा ही नहीं मारा गाड़ी पे। और ये देखो खतरनाक, शानदार। हाँ जी, गाड़ी में आप बैठ गए और जा किधर रहे हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमें कीड़ा तो है ही कुछ ना कुछ नया करने का, तो भाई हम जा रहे हैं एक थोड़े अलग तरीके के सैंडविच खाने। भरतपुर में रह के या इवन बाहर भी रह के ना, मैं वो एक ही तरीके के ना सैंडविचेस खा के थक गया हूँ। ग्रिल्ड चीज़, वेज सैंडविचेस, पनीर टिक्का और फलाना ढिमकाना। कभी कभी मन करे कि आदमी ना ऐसा सिंपल चीज़ खाए, तो भरतपुर में इकलौती एक ही जगह है जहाँ पर सिंपल आलू का सैंडविच मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और उसमें भी आलू, वो थोड़ी सब्जी बनी हुई आलू नहीं होते छुके हुए, उसके सैंडविच। तो मुझे नहीं लगता कि आपने खाए होंगे, अगर खाए हुए हैं तो मतलब आपको भी भरतपुर में एक आध जगह पता है। फैमिली और लोग तो मुश्किल ही जा पाएंगे, पर लड़कों के लिए खास रहेगा। अगर आपको आपको भी मेरी तरह ऐसे सैंडविच खा खा के परेशानी हो गई है ना कि यार कब तक वो वेज चीज़ ग्रिल, सेम टेस्ट, नाम चार टेस्ट सेम, अपने को सादा आलू का प्यारा सैंडविच खिला दो। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। उस दिन मैं आपको कचौड़ी के साथ वही सैंडविच खिलाने की बात कर रहा था, पर आपको पता है दो कचौड़ियाँ पेल दी थी तो बस की बची नहीं थी। आज भाई आपका ऐसे बढ़िया मौसम में आपको शानदार सैंडविच दिखाएगा, तो बस वेट करिए। और जैसे कि उस दिन भी हमारा साथी भानु था, तो आज भी हमारे साथ ही भानु ही है। भाई तुम अपने टाइम से हो तो तुम्हें एक फाड़ गाना सुनाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, जगह पे पहुंच गए हम। मीट भानु पहले भी मिले थे। आप ना लोहागढ़ स्टेडियम से कभी सीधे, मतलब लोहागढ़ स्टेडियम तो आप भरतपुर वालों को पता ही है, वहाँ से सीधे सेवर के लिए जाते हैं ना, तो जो सरसों अनुसंधान केंद्र है कुछ लोगों के लिए, केवीके भी है वो, अब तो केवीके ही है, तो उस तिराए पे वहाँ से जस्ट राइट में अनोखी बाईपास जो जा रहा है मथुरा वाला, उसके कोने पर ये जगह है। इस खराब शीशे में आपको क्या दिख पा रहा है, इन्हें क्या नहीं दिख पा रहा मुझे नहीं पता, बट
इस जगह के अब सैंडविच खिलाऊंगा मैं आपको। हाँ जी, ऊपर आसमान, नीचे हम, और माहौल चेक कर लो एक बार। आज थोड़ा सा आंधी आई है ना, थोड़ा उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हल्ला कम रहता है। बैठने की ये व्यवस्था है, कुर्सी लट्ठा, और वहाँ भी पीछे भी है, ये पूरा सिस्टम है। एंड यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है आपको, मैगी मिल सकती है, पैटीज मिल सकती है, सैंडविच मिल सकता है। मैगी यहाँ की खाओगी तो मटर डालते हैं, अगर मैगी में मटर पसंद करते हो तो, मैं तो नहीं करता तो मैं मना कर देता हूँ, बट दिस इज़ द प्लेस फॉर द लौंडास। भाई साहब, सैंडविच के आने में टाइम है, और इस हरामखोर ने अपनी पेटीज यहाँ पे खोल ली है, और मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं भाई साहब पहले पेटीज खा लूँ, और मैं सिर्फ इस वजह से नहीं खा रहा कि मेरा सैंडविच वाला एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा, और मैं आपको जेन्युइन वो नहीं दे पाऊँगा, मतलब इमोशंस, यू नो, देख रहे हो, मतलब देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो, कितना कंट्रोल करना पड़ रहा मुझे, और इसके बाद भी अगर तुम पर सब्सक्राइब नहीं हो रहा ना भाई साहब, गलत बात, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ, मोटिवेशन बढ़ाओ। मैं देखो ये अंधड़ के मौसम में आया हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको बताने कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आपको कहाँ आना चाहिए। देखो देखो आ गया, बन गया भाई, बन गया। अरे आ जा मेरे शेर, वकील ऑन व्हील्स। और क्योंकि हमेशा की तरह जब जब मैं जिसको कुछ अच्छा दिखाने गया हूँ उसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो ये हल्का सा मुझे जैसा जला सा लग रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, पर अंदर इसमें, अंदर इसमें आलू ही हैं। पेटीज में धनिया देखा था क्या आज से पहले? नहीं देखा होगा ना, आज देखो। और स्वाद बेहतरीन। ले तू खा के बताइयो। हाँ जी दोस्तों, आपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से पेटीज खाई होंगी, पर क्या आपने कभी ऐसे पेटीज खाई है? इसका सब कुछ बाहर निकाल के ऐसे रख दिया गया है, इसको मिला दिया गया है, और अब ये रोटी है और ये सब्जी है, और मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। भाई साहब, दुनिया की सारी बियर्ड तरीके से करने वाली चीज़ों में महारत हासिल करने वाला मैं, अगर ये सब मालिश के अंदर होता ना तब स्वाद आता इतना, पर अब मेरे हाथ बिगड़ चुके हैं, लेकिन स्वाद आ रहा है इतना। कभी ट्राई करना ऐसे पेटी, मजेदार भाई मजेदार। रुको एक और बाइट देखते जाऊं, दिस डिजर्व। हाँ थोड़ा मैसी है पर वर्थ है भाई, वर्थ है। पहले तो मौसम देख लो, शाम हो गई है, थोड़ा सा मौसम शांत हो गया है, और देखो अभी मैंने क्या क्या आपको दिखाया है। मैंने आपको सैंडविच दिखाया, फिर मैंने आपको मैगी दिखाई, फिर मैंने आपको पेटीज दिखाई। इसके अलावा हमने
कोल्ड ड्रिंक भी ली, चिप्स भी खाई, एक पेटीज इसने भी खाई थी अलग, और टोटल बिल कितना 170। भाई साहब 170 में तो किसी चूतिया सी जगह चूतिया सा सैंडविच या पिज्जा दे देते हैं आजकल तो, और यहाँ 170 में दो जने। ये देखो ये पेट भर गया, भर गया ना भाई। भाई ये तो वर्थ इट चीज है भाई, मजा आ गया आप तो। खैर ये आपके लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं यहाँ पहली बार आके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, वरना ये मेरी बहुत गो टू जगह है, मैं यहाँ हर तीसरे चौथे दिन आता रहता हूँ। और अगर मेरी वीडियो देख के आप यहाँ आओ और हम यहाँ आपको मिल जाए तो फिर मुझे अपना टाइम बदलना पड़ेगा यार, बिकॉज आई लव माई प्राइवेसी। तो मेरे आने के टाइम थोड़े से विचित्र है, पर अगर कभी आना हो तो आ जाना। ओके सिया चाचा, राम राम सा, टेक केयर।